जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने उन सभी लोगों को करारा जवाब दिया है जो जन स्वराज या उन्हें किसी न किसी दल का बी टीम कहते हैं। सुपौल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि राजद के लोग हमें भाजपा की बी टीम कहते हैं, जबकि भाजपा को पिछले विधानसभा चुनाव में मात्र 19% वोट ही मिले थे। बिहार में भाजपा का अपना कोई वजूद नहीं है, तभी भी उन्होंने केवल 42 सीटें जीतने वाले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना रखा है, जबकि हाल ही के दिनों में भाजपा दूसरे राज्यों में दलों को तोड़कर अपनी सरकार बनाने के लिए जानी जाती है। बी टीम उसका बना जाता है जो मजबूत होता है, और बिहार में तो भाजपा खुद ही कमजोर है। भाजपा का यहाँ पर न तो कोई नेता है और ना ही उनकी बिहार के लिए कोई नीति है, जबकि भाजपा के नेता हमें राजद की बी टीम कहते हैं। उन्होंने कहा जन सुराज जनता की बी टीम है। भाजपा का बी टीम तो है, भाजपा का यहाँ वजूद कितना है? आप बी टीम तो उसका बनिएगा, तो मजबूत टीम हो तो उसका बी टीम बनिएगा। भाजपा का यहाँ ना कोई नेता है, ना नीति है, ना कोई कार्यक्रम है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को 19.6% बिहार में वोट आया, तो उसका बी टीम क्या बनेगा? उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ सांसदों के लिए बिहार में पहले लालू के समय जंगल राज को और अब नीतीश के समय में अफसर राज को दोनों ही दलों ने पनपने दिया। क्या उन्हें नहीं पता कि बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है? क्या उन्हें नहीं पता बिहार में पलायन सबसे बड़ी समस्या है? उन्होंने अपनी सरकार बचाने के लिए बिहार को लालू और नीतीश के हवाले छोड़ दिया, इसलिए आज जो बिहार की दुर्दशा है उसके लिए भाजपा और कांग्रेस जिम्मेदार है। बिहार की दुर्दशा के लिए लालू और नीतीश, ये दोनों जिम्मेवार हैं, लेकिन इसके गुनाहगार लालू और नीतीश से ज्यादा भाजपा और कांग्रेस वाले, इस बात को आप समझिए। पिछले 30-32 साल से बिहार में लालू नीतीश सरकार चला रहे, लेकिन बिहार की जनता ने लालू यादव को पूरे बिहार में बहुमत सिर्फ एक ही बार 1995 में दिया। आज तक लालू यादव की पार्टी बिहार अपने दम पर एक ही बार जीती, बाकी 15 वर्ष वो राज ऐसे कहिए कि कांग्रेस ने बैसाखी अपनी दी और चंद सांसदों के लालच में कि दिल्ली में सरकार चलती रहे, इसके लिए कांग्रेस के नेताओं ने बिहार और बिहार के बच्चों के भविष्य को लालू यादव के जंगल राज के हाथों बेच दिया। ऐसा कैसे संभव है कि मनमोहन सिंह जैसे बड़े प्रधानमंत्री को बिहार की आर्थिक स्थिति बदहाली की जानकारी न हो, लेकिन 10 वर्ष मनमोहन सिंह और गांधी परिवार के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने लालू यादव को यहाँ जंगल राज चलाने दिया इस लालच में कि 10-15-20 को सांसद हम लोग को मिलता है। यही काम आज भाजपा कर रही है। नीतीश कुमार के 42 विधायक हैं 243 के विधानसभा, जो भाजपा पूरे देश में दूसरे दलों को तोड़कर विधायकों को खरीद कर अपना सरकार बनाती है, वो बिहार में 80 विधायक होने के बाद भी अपना सरकार नहीं बनाया, वो नीतीश कुमार को बना दिया। क्यों बनाया है? कि हमको 12-15 सांसद मिलता रहे, हमारा जातीय समीकरण बना रहे, बिहार की जनता गर्त में जाती हो तो जाए। इसीलिए मैं दोबारा कह रहा हूँ कि बिहार की बदहाली के लिए सीधे तौर पर लालू नीतीश जिम्मेवार है, लेकिन इस बदहाली को बनाए रखने के रियल गुनाहगार कांग्रेस और भाजपा है। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को चुनौती दी कि अब यदि वो 10वीं पास कर लेंगे तो फिर वो उन्हें नवी फेल नहीं कहेंगे, उसके बाद उन्हें 10वीं पास कहेंगे। उन्होंने कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आप तेजस्वी को नवी फेल क्यों कहते हैं, मुझको ये बात समझ नहीं आती कि इसमें गलत क्या है। नवी फेल व्यक्ति को नवी फेल ही कहेंगे, जैसे डॉक्टर इंजीनियर को हम डॉक्टर इंजीनियर कहते हैं, उन्हें तो नवी फेल नहीं बुलाते। उन्होंने तेजस्वी के उस बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इतने ईमानदार हैं कि माँ बाबूजी मुख्यमंत्री थे
तब हम जाली डिग्री बना सकते थे पर हमने नहीं बनवाई। इस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने जाली डिग्री नहीं बनाई, ये बात ऐसे बताते हैं जैसे हम पर कोई एहसान किया हो। जाली डिग्री नहीं बनाने के लिए जनता को जैसे उनका आभार व्यक्त करना चाहिए, इस तरह से बयान से उनकी शिक्षा के प्रति सोच को दर्शाती है। जबकि मैं तो कहूँगा कि उन्हें बिहार की जनता का आभार व्यक्त करना चाहिए क्योंकि उन्होंने नवी फैल व्यक्ति को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया। लोग हमको कहता है कि भैया नौवा फेल काहे करते हैं, हमने कहा है भाई दसवां का एग्जाम हो रहा है, दसवां का एग्जाम पास हो जाइए, कल से आपको दसवां पास करने लगेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? अगर आपको पहले पढ़ने का अवसर नहीं मिला अब पढ़ लीजिए, हम आपको दसवां पास करने लगेंगे। आपको अगर हमारे नौवां पास करने से खराबी दिक्कत तकलीफ हो रही है तो आप दसवां का एग्जाम देकर पास हो जाइए और हम लोग सब आपको कहेंगे कि दसवां पास तेजस्वी यादव बिहार के नेता होने थे, दसवां पास करके दिखाइए। ये आदमी एक मन से बोले कि हम तो इतने ईमानदार हैं, चाहते तो जाली डिग्री बनवा लेते, हमारे माँ बाप दोनों मुख्यमंत्री थे, जाली डिग्री नहीं बनाए, इतना अच्छा ईमानदार बताइए, जाली डिग्री नहीं बनाई बहुत बड़ा हम लोग एहसान कर दिए। देखिए इस आदमी की सोच, नेता खड़ा होकर कह रहा है अरे हमने तो माँ बाप बाबू जी दोनों मुख्यमंत्री थे, चाहते तो जाली डिग्री बनवा लेते, नहीं बनवाए इसलिए जनता को उनका आभार व्यक्त करना चाहिए, भाई साहब ने जाली डिग्री नहीं बनाया बहुत बड़ा हम लोग एहसान कर दिए। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।